हेलो एवरीवन, ये आपका कंप्यूटर, ये सी प्लस प्लस का आपका सेकेंड एमसीक्यू है। इससे पहले भी 50 एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। देन आफ्टर स्टार्ट 51st, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके, फॉरेन फंक्शन। देन आफ्टर स्टार्ट, इसमें कह रहा है कि फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में क्या फीचर होते हैं। ठीक, पहला सिंपल, देन आफ्टर सिंटेक्स बेस, देन आफ्टर केस सेंसिटिव, देन आफ्टर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूजर और पॉइंटर, यूज लाइब्रेरी, यूज फंक्शन लाइब्रेरीज, कंपाइल बेस, मॉड्यूलरिटी, फास्ट एंड एफिशिएंट, पावरफुल, पोर्टेबिलिटी। देन आफ्टर स्टार्टअप 51st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्लस प्लस। चेक ऑप्शन, मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, अ क्लास कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स, अ स्ट्रक्चर कैन हैव द मेंबर फंक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। इसमें कह रहा है नॉट ट्रू। ठीक, तो इसमें आपका मेंबर फंक्शन ऑफ अ मेंबर मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, नो ऑल अ क्लास कैन नॉट, नो अ फंक्शन अ स्ट्रक्चर कैन हैव अ मेंबर फंक्शन, देन आफ्टर इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। इसमें कह रहा है कौन सा कंप्लीटली सही है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शंस कॉल आर रिजॉल्व एट अ कंपाइल टाइम, फर्स्ट। सेकेंड, इन अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शंस कॉल्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। तो देन आफ्टर इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल द फंक्शन कैन रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, देन आफ्टर फर्स्ट इज करेक्ट है। Which of the following cannot be used with the virtual keyword? इसमें कह रहा है कौन सा आपका वर्चुअल कीवर्ड नहीं है। डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शंस, नन ऑफ द अबव। तो जब भी कहेगा नोट, तो ये भी है, ये भी है, पहला वाला आपका नहीं हो पाएगा। कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट पैरामीटराइज कॉपी, इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास हुज नेम इज द सेम एज द क्लास नेम, जो 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 हुज नेम इज सेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होते हैं। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, वो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज के लिए यूज किया जाता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास ऑटोमेटिकली व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज सेम नेम इज अ क्रिएटेड, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, गिग्स फॉर गिग्स, कॉन्स्टेंट गिग्स फॉर गिग्स एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्लास नेम हो गया, देन आफ्टर क्लास नेम। तो ये क्लास नेम और ये दोनों जो है एक ही है, सेम है। क्लास नेम कॉन्स्टेंट, क्लास नेम देन आफ्टर अ ऑब्जेक्ट। डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेमोरी फंक्शन लाइक अ कंस्ट्रक्टर, ये एक स्पेशल मेमोरी फंक्शन होता है आपका कंस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज देयर क्लास नेम, डिस्ट्रक्टर सेम नेम एज अ क्लास नेम, देन आफ्टर अ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन अ मोर देन वन डिस्ट्रक्टर, एक से ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टर नॉट पॉसिबल है। क्लास क्लास टेस्ट, पब्लिक टेस्ट, ये जो आपका सिंबल दिया रहता है ये आपका डिस्ट्रक्टर का सिंबल है। कॉन्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लेट बाइंडिंग, पहला आपका है ऑपरेटर फंक्शन, देन आपका कंस्टेंट फंक्शन,
वर्चुअल फंक्शन बोथ ए एंड बी, जो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म में अर्लिंग बाइंडिंग अर्लिट बाइंडिंग, एंड देन आफ्टर अर्लिंग बाइंडिंग हैज टू टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेट बाइंडिंग हैज टू टाइप्स, फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शंस, एंड देन आफ्टर वर्चुअल फंक्शन ये आपका लेट बाइंडिंग में वर्चुअल फंक्शंस हो जाएगा, देन आफ्टर इस सी इज करेक्ट है. Which of the following statement support the reusable code should be one of the desirable features of any language. First, it helps in reducing the maintenance cost, it helps reducing the testing cost, it helps reducing both maintenance and the testing time. The isme jo aap kah raha hai ki yahan pe reusable, then after C is correct. Which of the following statement is correct about the C++ programming language? First, in a C++, both static and dynamic checking are allowed. In C++, member functions allowed to be a type constant. Third, in a C++, dynamic checking is allowed. यहाँ पे कह रहा है कि सी अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्राम करेक्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर में स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप चेकिंग अलाउड, देन आफ्टर पहला फर्स्ट इज करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड अ इनहेरिटेंस, क्या नहीं होता है इसमें, नॉट अ काइंड ये आपका मल्टीपल मल्टी लेवल हेरिटिकल ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा, तो देन आफ्टर फर्स्ट इज जो है ये वाला नहीं हो पाएगा. तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कौन सा इसमें नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे जो कह रहा है कौन नहीं है, तो देन आफ्टर ये वाला आपका नहीं हो जाएगा. सिंगल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास, देन आफ्टर मल्टीपल इनहेरिटेंस, वन वन बेस क्लास वन बेस क्लास टू, देन आफ्टर डिराइव क्लास. मल्टी लेवल, बेस क्लास ड्राइव क्लास फर्स्ट ड्राइव क्लास सेकेंड, ये आपका हो जाएगा मल्टी लेवल का हायरार्किकल, बेस क्लास देन आफ्टर ड्राइव क्लास फर्स्ट ड्राइव क्लास सेकेंड ड्राइव क्लास थर्ड. हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बेस क्लास देन आफ्टर ड्राइव क्लास फर्स्ट ड्राइव क्लास थर्ड ड्राइव क्लास सेकेंड. व्हाट विल हैपन इफ इन सी प्लस प्लस क्लासेज नो नेम, It is not even allowed in C++. It will not have the constructor. It will not have a destructor. ये आपका हो जाएगा थर्ड इज करेक्ट. Which type of approach is used by the C++ language? C++ language है आपका बॉटम अप यूज करते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. Which of the following concept refers to adding a new component of the program at the runtime? Dynamic binding, dynamic loading, डायनामिक बाइंडिंग एंड डेटा हैडिंग. तो यहाँ पे कह रहा है रेफर्स टू कॉन्सेप्ट एडिंग अ न्यू कंपोनेंट, तो आपका हो जाएगा डेटा हैडिंग. हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, बाय यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग बोथ वर्चुअल एंड इनहेरिटेंस, बाय यूजिंग ओनली वर्चुअल फंक्शन. सी प्लस प्लस में आपका बाय यूजिंग अ टेम्पलेट, पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम, देन आफ्टर रन टाइम, फंक्शन ओवरलोडिंग, देन आफ्टर कंपाइल टाइम के अंदर में जो टेम्पलेट आएगा ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, रन टाइम में वर्चुअल फंक्शन. ये टेम्पलेट टू टाइप्स का, फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट. पॉलीमॉर्फिज्म, the word polymorphism means have a many form. In a simple word, we can define a polymorphism as the ability of a message to a display in more than one form. A real example of polymorphism is a person who same time can be एक आदमी का same time में different characteristics. Types of polymorphism: compile time, then after a run time. Polymorphism has two types, compile time, runtime. Compile time has two types, function overloading, then after operator overloading. Runtime has virtual functions. Which function
we use for a checking if a characteristic is step a tab. Is digit, is blank, is enum, is alpha. ये आपका हो जाएगा इज ब्लैंक स्पेस अटैम इज ब्लैंक. हाउ कैन वन इम्प्लीमेंटेड अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग अ टेम्पलेट बाय यूजिंग अ कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग अ बोथ वर्चुअल एंड इनहेरिटेंस देन आफ्टर सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर अ प्रोग्राम ऑफर अ प्रोग्रामर the facilities of using a specific class object into other class polymorphism abstraction inheritance composition. composition kya hota hai complex object form a simpler one. which of the following is cannot be a friend function. kaun sa isme friend function nahi hai class functions and objects then after you can not a function then after c is correct an object. How can the refers different from pointer? A reference cannot be modified once it initialized. There is no need of extra operator for a differencing of a reference. A reference cannot be a null. All of the above. तो यहाँ पे कह रहा है different from the pointer. तो इसमें आपका cannot modify initialized. Yes. ये आपका no need to extra operator for a differencing of a reference then after the second is correct then after a reference cannot be a null therefore all of the above ho jayega. now among the following given given option which can be considered as a member of a class. class variable member variable class functions then after us b is correct when member of a class then a member variable. Which of the following refers to a verifying of a data x functionality into a single individual entities. modularity abstraction encapsulation. encapsulation single verifying ka jab bhi baat aayega to encapsulation hai. verifying of a data functionality into a single individual entity then after a c is correct. which of the following refers to by using the existing code instead of a rewriting it. rewriting inheritance encapsulation abstraction both are inheritance. reusability hota hai inheritance mein. which of the following saw the multiple inheritance. ye aapka nahi ho payega ye aapka nahi then after the first is correct. which of the following statement true about c++ programming language. c++ is a object oriented programming. c++ is a प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्लस बी से फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये बोथ हो जाएगा फॉर ये भी प्रोसीड्यूर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम देन आफ्टर द फोर इज करेक्ट. एमंग द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मॉड्यूलरिटी. मॉड्यूलरिटी मीन्स हाइडिंग अ पार्ट ऑफ अ मॉड्यूलरिटी रेफरेंस ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इंटू अ सबसिक्वेंट ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूल और या इंडिपेंडेंट पार्ट. it refers overloading program a part of modularity refers for a wrapping of a data it's a functionality single entities. isme kaha raha hai ki correct hai to ye aapka ye modularity ye wala galat ho jayega. hiding nahi means hiding no galat. to isme dividing a program then after a b is correct. overloading a program no no modularity refers of wrapping of a data no. then after a second is dividing a program into a subsequent. ये जो आपका कह रहा है ये आपका जो है. which of the following key is used to write a assemble code in C++. hints दिया हुआ है C++ language one we used the ASM then ASM B is correct. keyword is rewrite a assembly code inline function. which one of the following is considered as a least safe type casting. constants casting reinterpret constant dynamic constant none of the above then after b is correct. least safe casting. which one of the following correctly refers to a command line argument. argument passes to the main function. arguments passes to a structure function. argument passes to a class. argument passes any function. which of the correctly refers to a command line.
तो ये आपका क्लास फंक्शन नो, एनी फंक्शन नो, स्ट्रक्चर फंक्शन नो, देन आफ्टर बी इज फर्स्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी कंसीडर ऑफ अ करेक्ट एंड इफिशियंट वे ऑफ अ हाइडिंग आर्गुमेंट विद स्पेस? यूज सिंगल कोट, आइदर सिंगल और डबल कोट, यूज डबल कोट, देयर इज अ नो वे ऑफ अ हाइडिंग आर्गुमेंट विथ। यहाँ पे कह रहा है करेक्ट एंड इफिशियंट वे ऑफ हैंडलिंग आर्गुमेंट, देन आफ्टर आइदर सिंगल एंड डबल कोट, बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट द सेकेंड पैरामीटर इन द मेन फंक्शंस? द सेकेंड पैरामीटर इज एन आर इज अ करेक्टर पॉइंटर्स। द फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ अ लिस्ट इज द सेम ऑफ द प्रोग्राम आउटलाइन फाइल। द स्ट्रिंग इन द लाइन लिस्ट आर सेपरेटेड बाय स्टेप इन द टर्मिनल, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ मेन फंक्शन? द फर्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप, स्टोरेज द काउंट ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ नॉन नेगेटिव, ऑल ऑफ द अबव। इसमें कह रहा है कि पर फर्स्ट पैरामीटर कह रहा है, तो देन आफ्टर स्टोर द काउंट एंड कमांड लाइन, देन आफ्टर दिस करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ अ मेन फंक्शंस? नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, लिस्ट ऑफ द कमांड लाइन आर्गुमेंट, डिक्शनरी ऑफ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट, स्टैक ऑफ अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पैरामीटर देन आफ्टर नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट। व्हाट विल हैपन, वी हैव अ मूव टू ट्राई अ ब्लॉक फार अवे फ्रॉम अ कैच ब्लॉक। रिड्यूस अमाउंट ऑफ अ कोड इन अ कैच, इंक्रीज अमाउंट ऑफ अ कोड इन द कैच, डोंट अल्टर एनीथिंग, देन आफ्टर फर्स्ट इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव हैन स्टेटमेंट द करेक्ट अबाउट इंक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस यूजुअली एड टू इट्स ऑपरेंड, डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट वन टू इट्स ऑपरेंड, डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस सबसेकंड थ्री टू इट्स ऑपरेंड, इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस 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 यूजुअली एड वन इज ऑपरेंड, देन आफ्टर फोर इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्री इंक्रीमेंट इज ट्रू? द प्री इंक्रीमेंट यूजुअली फास्टर देन अ पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट इज फास्टर देन अ प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट स्लोअर देन अ पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट इज स्लोअर देन अ पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें कह रहा है कौन सा प्री इंक्रीमेंट सही है, देन आफ्टर द फर्स्ट इज करेक्ट। इसमें कह रहा है आपका सिंबल के अंदर में इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट में इसे पहले रहेगा, देन आफ्टर पोस्ट इंक्रीमेंट आफ्टर एक आफ्टर में बाद में रहेगा, डिक्रीमेंट माइनस माइनस, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये आपका पहले रहेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देन आफ्टर इसके बाद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ यूजुअली प्री इंक्रीमेंट कॉल वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, क्यू कॉल बाय नेम, देन आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट आर इन द स्ट्रिंग? 3, 4, 3, 1, 2, 4, देन आफ्टर बी इज करेक्ट। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव हैन अ मेथड वी यूजुअली यूज टू अपेंड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम? अपेंड ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू बोथ अपेंड एंड ऑपरेटर, देन आफ्टर दोनों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव हैन अ स्टेटमेंट इज अ नोट टू डू अबाउट अ रेफरेंस इन सी प्लस प्लस? अ रेफरेंस वुड बी इनिशियलाइज्ड व्हेनेवर इट्स डिक्लेयर, अ रेफरेंस कैन नॉट refers to a constant value, a reference cannot be a null, a reference to created it cannot be a letter, made to reference to another it cannot be reset, then after a reference cannot be a constant value, then after b is correct. Which of the following is a function must be used in a reference? Copy constructor, destructor, parameterize. ये आपका नहीं पाएगा, डी आपका नहीं चीज़ें देना पड़ेगा, बी फर्स्ट इज करेक्ट। Which of the following, why inline function are usually? Functions are large and contain a several nested loop. Usually it's a small and we can't to avoid the functions call. The functions are several statics and all of the above. यूजुअली कह रहा है कि इनलाइन फंक्शन यूजुअली
useful. Usually it is small and we want to avoid the function call. Then after p is correct. Inline functions in C++ has included studio using namespace std int inline int multiple int x int y, then after the return x multiple y, the function body, then after the call is completely replaced by the function body, then after a call multiple ab function call. ये आपका इंडियन फंक्शन. इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसोसिएट लेफ्ट टू राइट. एड्रेस ऑफ यूनिटरी ऑपरेटर लॉजिकल नोट एरे कैन नॉट बी एक्सेस. तो इसमें क्या लेफ्ट टू राइट एरे कैन एरे एलिमेंट एक्सेस. अ फंक्शन इज डिक्लेयर एज अ फ्रेंड फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस टू अ फ्रेंड द प्राइवेट मेंबर ऑफ द प्राइवेट पार्ट ऑफ इट्स क्लास द पार्ट डिक्लेयर एज अ पब्लिक ऑफ of its class class of which of the para of which it is a member none of the then after the first is correct. Friend function class private member of a variable and functions functions mem friend function of friend function has a privilege to access all the private and protected member of a class. In C++, it is possible in a class there can more than one destructor like a constructor. Yes, it is possible. No, it is not possible at all. This is correct. In C++, it is true of a destructor can be lead a virtual function. No, it not at all. Yes, it is true. Destructor mein yes ho jayega. Which of the following statement can we consider a true about a virtual function in C++? It generally virtual function are those functions that can be overridden in a declare class with the same signature. A virtual function enable to run a polymorphism in the inheritance hierarchy. Then after इसमें कह रहा है कि virtual function. Then after B is correct. In C++ can have a function call itself. Yes, no. Completely error runtime. Then after yes. In C++, can for a loop statement contain another loop or loop statement? Then after yes. Loop then initialize condition operation body of a loop statement to be executed a statement outside the loop. Then after statement true, then after a body में जाएगा, then after a false, then after a statement outside the loop. Which of the following operator has the highest parameterized percentage? Then after all have the same precedence. Which of the following cannot be considered a correct syntax? Initialized, condition, increment, decrement. For initialized, increment, decrement. For initialized, increment, decrement. Then after all, first is correct. Initialize condition increment decrement. ये आपका जो है फोर लूप का ये जो आपका दिया हुआ फोर लूप का कंडीशन दिया हुआ है. In which year the name of C++ change from C with class to C++? 1979 के अंदर में ये आपका C with class था. ये आपका जाएगा 1993 के अंदर में चेंज होकर के जो आपका C++ हुआ. C++ इज इंपरेटिव ऑफ लैंग्वेज है यूज विथ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ड्राइवर एम्बेडेड फर्मवेयर. C++ सक्सेसर टू विच लैंग्वेज? बी सी जावा. देन आफ्टर द जावा यहाँ तक जो है 100 MCQ C++ का कंप्लीट हो गया है. देन आफ्टर ये आपको STET में आपको पूछने वाली है. देन आफ्टर BPSC TRE 3 कंप्यूटर SCIENC कंप्यूटर साइंस पूछने वाली है. ये जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ये आपको NVS D SSS B से लिया हुआ है. देन आफ्टर KVS. ओके बाय.